पालन के संग गैया चराए, गोपियों के संग रास रचाए। माखन चोर कृष्ण कन्हैया, बड़ा नटखट तेरा लाल ओ मैया। युग आएंगे युग जाएंगे, लोग गाते रहेंगे कृष्णा। आप सब लोग इसे समझाते क्यों नहीं? कृष्ण मेरा बेटा है, इसका लल्ला कैसे हो गया? अरे अरे, इसमें समझाने की क्या बात है? मैं क्या कोई पागल हूँ जो झूठ बोलूंगी? कमु, ये क्या हो गया तुम्हें? पूरा गोकुल जानता है कि यशोदा लल्ला की माँ है। यशोदा ने लल्ला को जन्म दिया है। रोहिणी दी, आपको क्या हो गया? आप कृष्ण बोलने लगी है। कम से कम आप तो सच बोलिए। कुछ कीजिए, कुछ बोलिए ना। छोटे, तुमने तो बखेड़ा खड़ा कर दिया। मैंने क्या किया भैया? मैं तो शांति प्रिय हूँ। तो बताओ, देवकी माता, यशोदा माता या माँ कम्मो, तुम किसके हो? मैं सबका हूँ भैया। बातें अच्छी करते हो कन्हैया, आपसे ही सीखी है भैया। मेरा लल्ला, मेरा लल्ला। बस, बहुत हो गया। सुमति, इनसे हमारा लल्ला ले लो। नहीं, हट जाओ सुमति। नंद जी, मैं लल्ला को नहीं दूंगी। ये मेरा बच्चा है, मैं जा रही हूँ। मेरे लल्ला को दे दो। कमो? अच्छा हुआ चाची आप आ गई, जरा समझाइए अपनी बहू को। माजी माजी, देखिए कितना सुंदर है आपका पोता, कितनी सुंदर है इसकी मुस्कान। देखिए, यही आपकी कुल का दीपक, यही आपका वंश चलाने वाला, और यही वो कृष्ण है जो सारे संसार में हमारा नाम रोशन करेगा। आप देख रहे हैं ना लल्ला के पिताजी, कितना अच्छा है आपका बच्चा, कितना सुंदर है ना। ये ऐसा क्यों बोल रही है? कृष्ण मेरा बेटा है, इसका बेटा नहीं है, मैं इसकी माँ हूँ। चुप रहे यशोदा, तुम झूठ पर झूठ बोलते जा रही हो। सुनिए, इसकी बात पर विश्वास नहीं कीजिए, बेचारी को संतान नहीं ना, इसलिए पागल हो गई है। नंजी, आप इसका ध्यान रखिए, संतान नहीं हो रही है ना, इसलिए बहुत त्रस्त है। पर आप इस पर क्रोध नहीं कीजिए, इसे सहानुभूति चाहिए नंजी, इसे सहानुभूति चाहिए। और दूसरा विवाह ना कीजिए नंजी, कीजिए। देखा छोटे, सच्चाई किस तरह छुप गई? हाँ भैया, माँ कम्मो जैसी कई स्त्रियों का यही दुख है कि संतान ना होने पर उनका घर परिवार ही उनका शत्रु बन जाता है। छोटे, क्या कम्मो की सासू और पति को पाठ पढ़ा दूँ? भैया शांति से, धैर्य से काम लीजिए। दोनों को इसीलिए मैंने बुलाया है कि इनको सीख मिल सके। अच्छा, तो ये खेल तुम्हारा ही है? हाँ भैया। अब बहुत हो गया छोटे, तुमने बहुत खेल कर लिया, अब हम खेल करेंगे और तुम खेल का आनंद लोगे। चलो भैया, खेल में हम तो एक खिलाड़ी रहेंगे ही ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम केवल दर्शक रहोगे और ताली बजाकर मेरी प्रशंसा करोगे। सासुमा, यहाँ से तुरंत चलिए, वरना नंजो यशोदा हमारी लल्ला को हमसे छीन लेंगे। और हमारा कुलदीपक हमारे हाथ से निकल जाएगा। चलिए। रुको बहू, लल्ला मुझे दे दो, मैं इसे ले चलती हूँ घर। ल
लल्ला, मेरे कृष्ण, तुम्हें सीने से लगाते ही मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। हमें लगता है हमारा जीवन धन्य हुआ। मुझे लगता है हमारा भी पोता है। अब तक मुझे लगता था हमारे घर का कोई कुलदीपक नहीं है। मैं और मेरा वंश बिना औलाद है। पर मैं गलत थी। तुम मेरे बहू के बेटे हो। आज तुमसे मेरी बहू की गोद भर गई है। गोद भर गई है। गोकुल के लल्ला हो। हर माँ तुम्हें अपने बेटे के रूप में देखती है। क्या हो रहा है? हर बहन तुम्हें अपने भाई के रूप में देखती है। तुम सारे गोकुल के लल्ला हो। मैं कितनी पगली थी जो अपनी बहू को दुत्कारती रही कि तुम्हें कोई संतान नहीं है। हमारा वंश कैसे चलेगा? बस इसी चिंता में थी। दर्शन जब मिल जाता है हृदय प्रेम से भर जाता है। सब संतों पर कृष्ण की दृष्टि, कृष्ण से सुंदर सारी सृष्टि।
वाला हरि गोविंदा हरि गोपाला हरि गोविंदा हरि गोपाला। भक्तों की भक्ति में श्रद्धा में शक्ति में मन मोहन मुरली वाला हरि गोविंदा हरि गोपाला हरि जताने से कोई किसी का नहीं हो जाता। आज से कृष्ण तेरा भी है। जय श्री कृष्ण। तुमने संतान नहीं हो बहु, तुमने संतान नहीं हो जी। मुझे क्षमा कर दो बहु, मैंने तुम्हें बहुत सताया है, तुम्हारा बहुत अपमान किया है मैंने। आज से तुम पुत्री नहीं हो, कृष्ण तुम्हारा भी बेटा है और मैं तुम्हारी सास नहीं, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। जी यदि मेरे कृष्ण ने चाहा कि उसके साथ खेलने वाला कोई आ जाए तो तुम्हें भी बेटा जरूर होगा बहू। मुझे माफ कर दो बहू, आज से ना तो मैं तुम्हें सताऊंगी और ना ही घर से बाहर निकालूंगी। भाजी, सपने में भी अरे नहीं नहीं माँ जी, आप जब चाहें कृष्ण को अपने साथ ले जा सकती हैं। आज से मैं समझूंगा जैसे यशोदा कृष्ण की माँ है वैसे ही कम्मो भी कृष्ण की माँ है, परंतु आज के बाद कम्मो को ये कभी नहीं लगने पाए कि उसकी कोई संतान नहीं है। नहीं नहीं नंद जी, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगी जिससे मेरी बहू को कष्ट हो। चाहते हो छोटे भैया? कम्मो माँ उदास है, दुखी है, क्या करूँ? छोटे तुम कुछ भी कर सकते हो, माँ कम्मो को दुखों से मुक्ति दो। जो आ गया भैया। लीलाधारी कृष्ण की लीला फिर दिखलावे, कम्मो जो जाने लगे दे आवाज बुलावे। कम्मो के घरवारे सब खड़े नंद के द्वार, माँ करके लाल ना करता करुण पुकार। रजलागा माँ बेटे के बीच बंधा प्रीत का कैसा जागा। नारायण नारायण, प्रभु ये कैसी लीला है आपकी, हर कोई आपकी आराधना करता है, भक्ति करता है,
पर यहाँ कृष्ण उसे बुला रहे हैं, पर ये नारी परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा को ठुकरा रही है। ये तो परम ब्रह्म परमात्मा को जैसे कह रही हो कि मेरे लिए तो भक्ति ही पर्याप्त है। नारायण नारायण की करुणा ममता आपा को जब जब जावे मैया तब तब काना रो। मात यशोदा ने तभी ललना हाथ बढ़ायो रो रो कर तोड़ी कम्मो कृष्ण कन्हैया चूम चूम रोवे कम्मो लेवे बहुत बलैया। केवल मेरा नहीं है, ये तुम्हारा भी लल्ला होगा। तुम हर दिन आया करो, इससे मिलो। नहीं यशोदा, जब लल्ला तभी आऊंगी, वैसे नहीं। प्रभु, कम्मों की बात का अर्थ समझ में नहीं आया। देवर्षि, ये कम्मों की भक्ति का प्रभाव है कि वह परमेश्वर के पास ना जाकर परमेश्वर को विवश कर रही है बुलाने के लिए। अब वो कृष्ण के पास तभी जाएगी जब वो मां बनेगी। नारायण नारायण प्रभु, इसका मतलब ये प्रभु से बड़ी हो गई है, उन्हें चुनौती दे रही है। नहीं देवर्षि, एक भक्त अपनी भक्ति की परीक्षा ले रही है। नारायण नारायण प्रभु, भक्त भक्ति की परीक्षा ले रहा है या फिर भगवान की? नारायण नारायण। देखिए इनकी दशा। तुम तो कह रहे थे कि ये लोग गोकुल से नंद के पुत्र को उठाकर लाएंगे, अपने काम में सफल होकर ही लौटेंगे। कृष्ण को यहां मेरे पास लेकर ही आएंगे। देखिए इनकी दशा, ये स्वयं इस दशा में भी नहीं है कि अपने पैरों पर चलकर यहां तक पहुंच सके। देखो देखो इनकी दशा। महाराज जब जब भाग जाओ यहां से, अन्यथा मेरी मति मारी गई, तुम में से एक भी जीवित नहीं बचेगा। महाराज मैं प्रणाम। मथुरा नरेश, आपके लिए महाराज बाणासुर ने संदेशा भेजा है। महाराज बाणासुर आपसे मिलने के लिए स्वयं मथुरा आ रहे हैं। चाणूर, बाणासुर हमारे हितैषी, हमारे मित्र हैं। उनके मथुरा आने से हमें प्रसन्नता हुई।
उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, उनका भव्य स्वागत होना चाहिए। उनका भव्य स्वागत ही होगा महाराज, उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप उनका स्वागत किया जाएगा। कुटिल बल का लेकर साथी साथ में गया महल राजभवन में गूंजती स्वागत है। मित्र घनिष्ठ सत्य तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्नता सोचने, अब मुझे विश्वास हो गया, अब मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे साथ हमारे मित्र भी हैं। मित्र, सच्चे मित्र वही होते हैं जो मित्र के अच्छे और बुरे समय में काम आए। आओ मित्र, मित्र कंस तुम बहुत हताश लग रहे हो। अब तुमसे क्या छुपाऊं मित्र? हमसे कुछ भी छुपा नहीं है मित्र, हम जानते हैं कि देवकी की आठवीं संतान से तुम्हें मृत्यु भय है। बहुत प्रयास किए मैंने परंतु कृष्ण को मारने में सफल नहीं हो सका। सत्य तो यह है मित्र कि मैं अब तक यह निर्णय नहीं ले पा रहा हूं कृष्ण ही देवकी की आठवीं संतान है या नहीं। मित्र, पहले तो तुम इस दुविधा से बाहर निकलो। यदि तुम्हें संशय है कि कृष्ण ही देवकी की आठवीं संतान है तो मिटा दो इस संशय को, मिटा दो उस कृष्ण को, उसके बाद इधर देखो, क्योंकि संशय के पौधे को कभी भी वृक्ष नहीं बनने देना चाहिए। परंतु कैसे मित्र, कैसे मैं कृष्ण को कैसे मार सकता हूं? मित्र, तुम भ्रमित हो इसलिए ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो, परंतु तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर है हमारे पास। चलो मित्र, हमारे साथ चलो। परंतु कहां? वहां जहां तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। चलो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।